Hello students, I am again here with my new video and the topic of today's video is Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion hai kya? Kepler's ne planetary motion related 3 laws diye. First one, that is law of orbit. Second one, law of area. And the third one, law of period. So, ye Kepler's law hai kya? Aur jisse hame kaafi information mil jati hai ki planet kaise revolve karte hain, kitna area swept karte hain और क्या टाइम पीरियड होता है उसका सन के अराउंड रिवॉल्व करने का. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. तो फर्स्ट वन यहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है. यस, फर्स्ट वन लॉ ऑफ ऑर्बिट. व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट? आखिर ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है क्या? लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप समझ रहे हैं ऑर्बिट, तो यहां पर सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं और जो रिवॉल्व कर रहे हैं आपको बता दें वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट माना जाता है कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है. अब इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो आपको पता ही है कि सर्कुलर और इलेप्टिकल में क्या डिफरेंस है. यस, तो ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, दिस वन एंड दिस वन. ये आपका माइनर एक्सिस है, ओके, और ये मेजर एक्सिस है. एंड सन को माना जाता है कहां पे? यस, ये वन ऑफ द फोकाई. तो ये चाहे इधर ले लें चाहे इधर, तो वन ऑफ द फोकाई F1 पे या F2 पे कंसिडर करते हैं. तो लेट वी कंसिडर कि सन यहां पर वन ऑफ द फोकाई है. और यही चीज ने बताया कैपलर्स ने, क्या कहा कि सन एट वन ऑफ द फोकाई आइदर हियर और आइदर हियर विद प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये सन है, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट द वन ऑफ द फोकाई. क्लियर हो गया क्या होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट? यस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप नोट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यस, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई. क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, यहां कोई फॉर्मुला आपको नहीं स्टडी करना, इतना सफिशियंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड वन. तो वट इज सेकेंड वन? ये तो बहुत सिंपल हो गया. सेकेंड वन क्या है? लॉ ऑफ एरिया. एंड ये जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ एरिया, इसका थोड़ा आइडिया आपको, यस, सेंटर ऑफ मास रोटेशन मोशन वाले चैप्टर में जब आपने एंगुलर मोमेंटम स्टडी किया था वहां कुछ आपको बेसिक आइडिया दिया गया था और एंगुलर मोमेंटम एंड एरिया वेलोसिटी में रिलेशन डिराइव किया था. अगर नहीं देखा तो ये वीडियो पहले आप देख लेना, जिससे ये आज का टॉपिक और क्लियर हो जाएगा. नाउ द सेकंड वन, यस, लॉ ऑफ एरिया. अभी लॉ ऑफ एरिया क्या है? यस, तो समझते पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. भाई इलिप्टिकल पाथ एंड सन एट वन ऑफ द फोकाई, तो ये सन ड्रॉ कर दिया, चाहे इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं या इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं. सन एट वन ऑफ द फोकाई एंड प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. प्लेनेट इधर है, मूव करता रहेगा, ठीक है. हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट, दिस इज लाइन. प्लेनेट इधर से इधर आ गया, ठीक है. प्लेनेट इधर से इधर मूव हुआ इन डेल्टा टी टाइम. तो प्लेनेट इस पी पॉइंट से इधर इधर डिस्प्लेस हुआ, ये इधर मूव हुआ. तो ये जो एरिया स्वेप हुआ दैट इज डेल्टा ए. दिस डेल्टा ए एरिया इसने कवर किया, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट, यस, कवर दिस डेल्टा ए एरिया इन डेल्टा टी टाइम. ओके, तो आगे चलते हैं. अब मान लेते हैं प्लेनेट इधर आ गया, इधर से हम इधर ले रहे हैं, अगेन वही डेल्टा टी टाइम ले रहे हैं और इधर प्लेनेट पहुंचा. ये देखा गया कि जो एरिया है, अगर आप ये टाइम देखें कि सेम टाइम में, इतने टाइम में यहां पर जितना टाइम आपने ये दिया उतने टाइम में, लेट इसको मान लेते हैं कि ए से बी में जितना टाइम लगा, यस, ए से बी जाने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो जो एरिया कवर हुआ डेल्टा ए हुआ. नाउ सिमिलरली यहां पे सी पॉइंट मान लो, डी मान लो, तो सी से डी डिस्प्लेस होने में टाइम डेल्टा टी लगा. तो ये देखा गया कि ये एरिया भी डेल्टा ए होगा. कहने का मतलब है कि लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, तो एरिया वेलोसिटी कुछ होता है, यस, आपने समझा होगा एंगुलर मोमेंटम इन एरिया वेलोसिटी में रिलेशन डिराइव किया होगा. नहीं डिराइव किया तो उसकी वीडियो है, वहां पे आप देख सकते हैं और डिराइव
वहां से समझ सकते हैं कैसे रिलेशन डिराइव करते हैं। तो जो एरिया वेलोसिटी होती है, व्हाट इज एरिया वेलोसिटी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एरियल वेलोसिटी होती है, यानी एरिया कवर इन यूनिट टाइम, दैट इज एरिया वेलोसिटी, यानी डेल्टा ए टाइम में, यस डेल्टा ए एरिया डेल्टा टी टाइम में कवर हुआ, तो यूनिट एरिया में जो, यस यूनिट टाइम में जो एरिया कवर होगा दैट इज एरियल वेलोसिटी। तो ये एरिया वेलोसिटी और इसी से रिलेटेड ये लॉ ऑफ एरिया है, तब इसका नाम लॉ ऑफ एरिया का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है सिंपल कि लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लेनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से एयर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये जो स्टेटमेंट हो गया। कहने का मतलब ये सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है वो कांस्टेंट है, लेकिन कह दिया तो मान लिया नहीं, इसको प्रूफ भी किया, प्रूफ करते हैं ये कंसेप्ट क्या है। यस, प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर टॉर्क वाले कंसेप्ट को याद रखना है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, यस क्योंकि ये मूव कर रहा है, हम इलेप्टिकल को नियरली सर्कुलर मान सकते हैं, यस उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, तो व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर यहां देखा जाए तो जो आर वैक्टर है, दिस इज आर वैक्टर सन के रिस्पेक्ट में पोजिशन वैक्टर, और जो फोर्स लग रहा है, यस सन एंड प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, डायरेक्शन ये, तो आपको क्लियर दिख गया कि यहां पर थीटा 180 है, और जब थीटा 180 है तो साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है, और साइन 180 जीरो होने से देयरफॉर टाउ जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि साइन 180 जीरो होता है, ये आपको याद रखना है, साइन 180 जीरो होता है, ओके। तो नाउ टाउ जीरो आ गया, अब टाउ का एंगल मोमेंटम से क्या रिलेशन है, जैसा कि फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम रिलेशन होता है, क्योंकि यस जो आपने लॉज ऑफ मोशन में जो भी फॉर्मूले पढ़े थे वो एनालॉगस है आपके रोटेशन मोशन वाले। तो जैसा कि टाउ का फॉर्मूला हमने पढ़ा, यस डीएल बाय डीटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब क्योंकि टाउ जीरो होने से इसका मतलब ये डीएल बाय डीटी जीरो हो गया, अब डिफरेंशिएशन जीरो इसका मतलब वो टर्म क्या है, जीरो नहीं कांस्टेंट हो, जो भी वैल्यू वो कांस्टेंट, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि ये कांस्टेंट है। तो यहां से तो प्रूव हो गया कि एल कांस्टेंट, लेकिन हमें बताना है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो याद है कि हमने रिलेशन डिराइव किया, यस रोटेशन मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम है एल दैट इज टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, यस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला अलग से डिराइव किया हुआ है, तो हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो ये होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया वेलोसिटी, क्या होता है टू टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन और इनटू एरिया वेलोसिटी, तो क्योंकि एल कांस्टेंट है तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। अब कांस्टेंट हो गया, टू एक न्यूमेरिकल डिजिट है तो कांस्टेंट है, प्लेनेट का मास रिवॉल्व करते समय मास तो चेंज होगा नहीं, वो भी कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ये कांस्टेंट आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, लॉ ऑफ एरिया को हमने प्रूफ कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड वन, नाउ थर्ड वन क्या है, लॉ ऑफ पीरियड, और इसको भी प्रूफ करते हैं, यस थर्ड वन लॉ ऑफ, यस लॉ ऑफ पीरियड, ये क्या कहता है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो उसको एक टाइम लगेगा एक कंप्लीट रिवॉल्व करने में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। तो ये क्या कहा कैपलस ने, ये चीज उन्होंने कही कि भाई इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और ये मेजर एक्सिस है, तो इसका हाफ, यस हाफ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आर सेमी मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का हाफ सेमी मेजर एक्सिस, तो जो टाइम पीरियड है प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है, और सन वन ऑफ द फोकाई है, तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, यस क्यूब ऑफ दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ सेमी मेजर एक्सिस, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये है लॉ ऑफ पीरियड, स्टेटमेंट क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यस द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेकिन इसको प्रूफ भी करते हैं, तो प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि भाई इलेप्टिकल पाथ की जगह सर्कुलर की रिवॉल्व कर रहा है, जब रिवॉल्व कर रहा है तो यस प्रूफ करते हैं,
रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, रिवॉल्व करेगा तो यानी जब जैसे कोई चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है तो वहां पे सेंटीपेटल फोर्स की बात करते हैं। और यहां पे सेंटीपेटल फोर्स कहां से मिलती है, कैसे घूम रहा है? एक स्टोन को अगर थ्रेड से बांधा है तभी तो घूम पाएगा, अगर वो थ्रेड ना हो तो अपने आप ही घूम जाएगा नहीं, तो हम कैसे घुमाएंगे? तो वैसे ही सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, एक चीज है जो दिख नहीं रही है, वो लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, वो फोर्स है सेंट्रल फोर्स, और कौन सा फोर्स है वो, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि यहाँ पे सेंटीपेटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। प्रूफ करते हैं और कहते हैं कि यहां पर ड्यूरिंग द प्लेनेटरी मोशन हियर द नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स, नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड बाय, यस प्रोवाइड बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो कंसेप्ट आगे जाके कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अराउंड घूम रहा है, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई चार्ज सर्कल में घूम रहा है, तो ये कंसेप्ट वहां भी आगे जाके 12th में भी अप्लाई करना होता है। फिलहाल यहां पर नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है सन एंड प्लैनेट के बीच में। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बना सेंटीपेटल फोर्स का, जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, और रिवॉल्व कर रहा है तो एक स्पीड है उसकी, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अपने, यस वी स्क्वायर अपॉन उसका रेडियस, तो हमने आर माना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये फोर्स कहां से मिल रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में, सन एंड प्लैनेट के बीच में। तो जी मास कैपिटल एम सन का मास मान लेते हैं, स्मॉल एम प्लैनेट का मास मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस यानी आर स्क्वायर, क्लियर। और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, वी स्क्वायर क्या मिलेगा, एक आर से एक आर की पावर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर मिलेगा जी कैपिटल एम अपॉन आर, और यहां से जो वी मिल जाएगा आपको दैट इज अंडर रूट में जी एम अपॉन आर। ना हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, व्हाट इज टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, ओके, तो आप पुट कर सकते हो यहां पर 2 पाई आर अपॉन वी की वैल्यू अंडर रूट में जी एम अपॉन आर। अब क्योंकि टी स्क्वायर पर प्रूफ करना है ना आर क्यूब के डायरेक्ट पोर्शन, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ना उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पे टी स्क्वायर हो गया और 2 पाई आर का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और रूट स्क्वायर करने पे तो रूट गया, तो यस रूट रूट नहीं गया, रूट रिमूव हो गया स्क्वायर करने पे जी एम अपॉन आर, ठीक है, तो यस जी एम अपॉन आर। अभी आर ऊपर गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, और ये आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे ये सॉल्व करने में भी गलती करते हैं, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, ये आर को कैंसिल करना है या कैंसिल कर देते हैं, ये आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं बच्चे मैथमेटिकली, ये सब नहीं करना है हम लोगों को, ध्यान रखना है सब चीजों का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टी स्क्वायर इज प्रोपोज टू आर की पावर 3, और ये जो टर्म जितने अंदर दिख रहे हैं वो सब कॉन्स्टेंट है, तो कह सकते हैं ना कि टी स्क्वायर प्रोपोज टू आर क्यूब, तो हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ पीरियड, हमने प्रूव कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आप, जिस तरीके से सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, वैसे ही प्लेनेट के अराउंड सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, वैसे ही यस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो आर का स्क्वायर, टी का स्क्वायर इज प्रोपोज टू आर क्यूब, वो एप्लीकेबल वहां इन सब जगह हो सकता है और होता है, और इसी तरीके से डिराइव करते हैं। बस फर्क क्या होता है कि यहां पर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वैसे कि अगर मैग्नेटिक फोर्स सर्कल में घुमा रही है तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा, क्लियर है। तो ये मैंने नॉन स्टॉप क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बना दिया कि जिससे आप कैपलॉस लॉ बिना टाइम वेस्ट किए इतने कम टाइम में रिवाइज कर सको, और नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा मैं थोड़े इसके अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स तक, सोलेट की न्यूमेरिकल से और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, क्लियर। ये शॉर्ट वीडियो जल्दी से रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, और एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।